देख सकते हो गाइस आवाज। अरे भाई क्या पिकअप है भाई। गाड़ी अभी थोड़ा इधर रिव्यू कर रहा था और इधर भाई आ चुका है और भाई अभी फ्यूल का प्राइस इतना है सो इलेक्ट्रिक बाइक में शिफ्ट होना भाई वाला लुगा रहा है गाइस, मजाक नहीं। वीडियो का स्टार्टिंग में बताया अभी एक प्लानिंग चल रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। गुड मॉर्निंग डब्ल्यू लाइफस्टाइल फैमिली, गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हो रहा है टाइम दोपहर का करीबन 12 बज चुका है लेकिन मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग है ना। और गाइस आप लोग देख ही रहे हो मैं अभी ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ बिकॉज आप लोगों को पता है कि मेरे पास अभी बाइक नहीं है, बाइक के वजह से मतलब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ अभी। बट गाइस आज होने वाला है एक बहुत एक्साइटिंग वीडियो इलेक्ट्रिक बाइक के साथ। सही सुना गाइस, आज इलेक्ट्रिक बाइक के साथ ही ये वीडियो होने वाला है। मैं तो मैं आज फर्स्ट टाइम चलाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल। फर्स्ट मुंह हाथ धो लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेट्स गो। मुंह हाथ धोने का कार्यक्रम हो चुका है फिनिश और ये बेंगलोर में जब से आया हूँ ना तब से मतलब मेरा जो स्लीपिंग का सोने का शेड्यूल है पूरा बिगड़ चुका है। मतलब रोज मतलब नाइट तक पूरा जागा रहता हूँ और मॉर्निंग जब आँख खुलता है तब 11-12 बजता है। और गाइस एक प्रॉब्लम भी हो रहा है मुझे, ये जो मेरा नेक है ना ये नेक में मुझे बहुत सारा पेन है, इसलिए मैं देख सकते हो इधर एक मसाज गन भी लेके आया हूँ। ये कुछ इस तरीके से कुछ ये स्टार्ट होता है और ऐसे मसाज पूरा पॉइंट में दहा पे दर्द है उधर ऐसे मसाज कर सकते हो, देख सकते हो क्या दर्द है भाई। गाइस खाना पीना खा के पूरा नहा धो के पूरा रेडी हो चुका हूँ और अभी गाइस फुल्ली एक्साइटेड हूँ आज बिकॉज जैसे कि आप लोगों को बताया आज इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वाला हूँ। हमारा मेरा दोस्त का ही है सो कुछ प्लानिंग भी चल रहा है इलेक्ट्रिक बाइक के साथ, तो क्या प्लानिंग है वो मोटो ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा। और यहाँ से कुछ व्यू आ रहा है ऐसा देख सकते हो बिल्डिंग से, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है आज, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है, धूप नहीं है बिल्कुल ही। देख नीचे चलते हैं और इलेक्ट्रिक बाइक का मजा लेते हैं आज। लेट्स गो गाइस, फुल्ली एक्साइटेड हूं इलेक्ट्रिक बाइक चलाने के लिए और बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो यार, ब्लॉग छोटा मोटा होने वाला है बट देखो रास्ता। फाइनली हमारा भाई आ चुका है इधर, चंदू भाई। और गाइस ये गाड़ी का नंबर प्लेट देख सकते हो पूरा ग्रीन है जैसे कि इलेक्ट्रिक है आप लोग पता ही है। चलो अभी आगे जाके आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी मोटो ब्लॉग करते हैं। फर्स्ट टाइम के लिए लाइफ में फर्स्ट टाइम के लिए अभी इलेक्ट्रिक बाइक चलाने वाला हूं। OMG स्टार्ट कैसे होता है रे? अभी दबाओ ये स्टार्ट है। बाप रे गाइस देखो साउंड ही नहीं है कुछ भी, ऑलरेडी स्टार्ट है। रेड्डी भैया कैसा बाइक है भाई? सो लेट्स गो गाइस, इस फास्ट एक्सपीरियंस होने वाला है अभी इलेक्ट्रिक बाइक में, मजाक नहीं। सही है भाई, ओ सही है भाई, देख सकते हो क्या भाग रहा है। सो गाइस जैसे कि हमारे भाई ने बताया अभी इको मोड में है, फास्ट मोड में, और फास्ट मोड में ये 45 तक भागता है, सेकंड मोड में 65 और थर्ड मोड में 85। टॉप स्पीड है गाइस 85, क्या भाग रहा है, लेकिन पिकअप बहुत है भाई जबरदस्त। मतलब ब्रेक सोने से जाता है क्या? हाँ समझ गया, हाँ हाँ समझ गया एनर्जी सेविंग। अभी मणिपाल के अंदर जा रहा हूँ गाइस, इधर थोड़ा जाके वीडियो शूट करूंगा आप लोगों के लिए और बताने के लिए ट्राई करूंगा ये गाड़ी कितना का है, कितना माइलेज मतलब रेंज कितना है इसका, माइलेज ही आ जाता है। पूरा तूफानी लग रहा है यार, चला के बिल्कुल भी आवाज नहीं यार भाई, पता कैसे चलता है ये इंजन ऑन है कि ऑफ है? रेडी लिख के आता है। ओ ये वाला ओके, कैसे चलो इधर? अरे भाई क्या पिकअप है भाई। सो अभी थोड़ा भगाते हैं गाइस इलेक्ट्रिक बाइक को, अभी सेकंड मूड में है भाई, क्या भाग रहा है भाई, देख सकते हो अभी सेकंड मूड में है और 53 55 55 पहुंच गया है देख सकते हो। सो अभी इधर थोड़ा रुक के आप लोगों को गाड़ी दिखाता हूँ कैसा है क्या है, क्या मजा आ गया भाई यार चला के। तो गाइस गाड़ी जो है ना गाइस चला के माँ कसम क्या बताओ यार, क्या तबाही लग रहा है यार। सेकंड मूड में 55 तक पहुंच गया था, अभी जाने का टाइम थर्ड मूड में भी एक बार चला के दिखाऊंगा। इधर लाइट देख सकते हो, नीचे वाला LED है और ऊपर वाला प्रोजेक्टर है और आगे से कुछ लुक ऐसा आ रहा है, क्या तबाही लग रहा है। इधर मोटर है और बैटरी सब कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। टायर साइज देख सकते हो गाइस 120/80 है इधर, सही है मतलब इलेक्ट्रिक बाइक के हिसाब से 120 MRF का टायर है। और आगे इसमें तो ABS नहीं है ना? ओके okay. ब्रेक मारोगे तो थोड़ा मोड में RBS, मतलब कितने में लिया था भाई ये? मैंने लिया था अराउंड
1,41,000। गाड़ी तो आप लोगों को दिखा दिया पूरा तूफान की तरह है गाड़ी, और उसके ऊपर से गाइस की जो है ना वो भी एक तूफानी है गाइस। अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, जैसे कि देख सकते हो ये अभी इधर है लॉक अनलॉक और ये स्टार्ट और ये है मतलब लोकेशन। सो अभी अनलॉक करते हैं, देख सकते हो इधर अनलॉक हो चुका है अभी, और अभी इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गया ना, स्टार्ट हो गया बट आवाज कुछ भी नहीं है देख सकते हो। और अभी अगर मान लो आप पार्किंग में रखा गाड़ी आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो ये बटन डालो, ऐसे आवाज करेगा, देखो ऐसे आवाज करेगा, और ऐसे जो ये इंडिकेटर है पूरा ब्लिंक करता है देख सकते हो। क्या फीचर्स है गाइस, मजाक नहीं लग रहा है कि कार की चाबी है ये। सो अभी आप लोगों को एक बार बैटरी दिखा देता हूँ। संधू भाई एक बार बैटरी दिखा दो, बैटरी है ओ माय गॉड, कितना बड़ा बैटरी है देख सकते हो यार। एज यू कैन सी इधर एक प्राउड का बात है गाइस, इधर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, एज यू कैन सी देख सकते हो। सो ये जो कंपनी है गाइस पूरा इंडियन कंपनी, और इधर मोनोशॉक मिल जाता है आप लोगों को देख सकते हो। ये एडजस्ट भी कर सकते हो आप आपके हाइट के हिसाब से। ये गाड़ी इलेक्ट्रिक है तो इसमें कोई भी मतलब साउंड वगैरह नहीं है एग्जॉस्ट वगैरह, लेकिन आप लोगों को इधर एक आर्टिफिशियल एग्जॉस्ट दिया गया है इधर, सो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा एक बार। जैसे कि आप लोगों को पता है ये गाड़ी है इलेक्ट्रिक और इसमें कोई भी एग्जॉस्ट नहीं है और इसमें कुछ भी आवाज वगैरह भी नहीं है, लेकिन कंपनी ने क्या किया इधर गेम खेला कंपनी ने। सो इधर एक मतलब ऐसे ही आर्टिफिशियल साउंड दिया गया है, तो अभी हमारा भाई अभी दिखाएगा साउंड, तो देख सकते हो गाइस आवाज देख सकते हो साउंड, मतलब ये आर्टिफिशियल आवाज है, रियल नहीं लगता है बट फिर भी। इधर स्पीकर है गाड़ी का देख सकते हो, ये रेव कर रहा है और इधर आवाज आ रहा है। ओह गाड़ी अभी थोड़ा इधर रिव्यू कर रहा था और इधर भाई आ चुका है और भाई बोला कि इधर गाड़ी नहीं खड़ा कर सकता है, तो अभी यहाँ से थोड़ा जाऊंगा आगे। अभी देख सकते हो इसमें चार्ज है 40% और इको मोड में अगर चलाओ तो 56 किलोमीटर जाएगा 40% से, अगर सेकंड मोड में लगा दो तो 36 किलोमीटर जाएगा, और अगर थर्ड मोड में लगा दो तो 28 किलोमीटर जाएगा 40% से। तो बहुत अच्छा फीचर्स है, रेंज भी दिखा रहा है कितना है। अभी पूरा भारतीय सिटी के अंदर से जा रहा हूँ और क्या तबाही लग रहा है भाई, और ये प्लेस में आने का मेन रीजन है इधर मतलब ज्यादा क्राउड नहीं रहता है, सो वीडियो शूट करने में अच्छा रहता है, और मैं सोचा थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग भी हो जाएगा। और इसका गाइस ये फीचर्स कैसा है, अगर ये ब्रेक पकड़ लिया तो इंजन पूरा कट ऑफ हो जाता है उसके बाद, और बैटरी रिचार्ज होता है ब्रेक लगाने का टाइम, और अगर ब्रेक छोड़ दिया तो भागना स्टार्ट करता है। और अभी तीन नंबर में लग चुका है गाड़ी, इलेक्ट्रिक बाइक से अभी ऑफ रोडिंग करूंगा, इधर रास्ता बहुत ही ज्यादा खराब है, और इलेक्ट्रिक बाइक का सस्पेंशन कैसा है वो भी पता चलेगा। सो जैसे कि आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, अभी एक प्लानिंग चल रहा है इलेक्ट्रिक बाइक का ही, सो इसलिए हमारा जो संधू भाई का बाइक है वही मतलब ट्राई करने के लिए आया हूँ। फिलहाल तो अच्छा ही लग रहा है, गाड़ी चला गया यार बहुत ही ज्यादा तबाही है यार, पिकअप विकअप भी सही है। और इसका फुल चार्ज में रेंज कितना है भाई, फुल रेंज है वो 140 किलोमीटर मिलेगा आप लोगों को फुल चार्ज में वो इको मोड में, और टॉप वाला मोड में 90 किलोमीटर मिलेगा। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी फ्यूल का प्राइस इतना है, सो इलेक्ट्रिक बाइक में शिफ्ट होना अच्छा बात है यार, क्योंकि 90 किलोमीटर ऐसे भी एक दिन में नहीं चला जाता है कि नहीं भाई। हाँ ये वही तो मैं बोल रहा हूँ। सो गाइस अभी इधर रुका, एक दो फोटो खींच लिया, इंस्टाग्राम में आ जाएगा, फॉलो नहीं कर रहा इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, और अभी आवाज़ ऑन करके गाड़ी चलाऊंगा। सो ये ऑन हो चुका है देख सकते हो, आर्टिफिशियल जो आवाज़ है गाड़ी का वो ऑन करके अभी गाड़ी चला रहा हूँ, देख सकते हो आवाज़ लगाने के बाद लेकिन अजीब लगता है ना, तू जब गाड़ी चलाता है तो आवाज़ लगाता है कि बंद करता है, छोड़ी बच्ची हो क्या। सो आवाज़ लगाने का टाइम गाइस थोड़ा मतलब फनी लगता है बट फिर भी यार अच्छा तो है। अभी जो बाइक चला रहा हूँ इसका प्राइस है 140, और आगे जो ये साइकिल है ना उसका भी प्राइस करीबन 140-130 रहेगा, फोकस ब्रांड का है आप लोग सर्च कर लेना एक बार। देख टायर बहुत महंगा आता है भाई ये साइकिल। सो अभी पूरा घूमते घूमते कोथनूर पहुंच चुका हूँ, और अभी जा रहा हूँ इधर डिकैथलॉन में, जाके देखता हूँ अगर कोई काम का सामान मिला तो एक दो खरीद लेता हूँ। सो लेट्स गो गाइस, रुक जा भाई। काम का चीज मिला तो देखूंगा, ऐसे तो जरूरत है नहीं बट फिर भी क्या करूं, थोड़ा घूम के जाता हूं। लेट्स गो। गतन में देख सकते हो पूरा फुल्ली बन चुका हूं काउबॉय, क्या लग रहा है ये कैप, और इधर एक ये पाउच भी ले लिया, मतलब बॉय क्या लग रहा है ये कैप और इधर एक ये पाउच भी ले लिया, मतलब राइड करने। वेट अ मिनट, हु आर यू? राइड करने का टाइम ना बहुत ही ज्यादा काम आता है, तो इसलिए एक बार ट्राई करके देख रहा हूं कैसा है क्या है। और ये काउबॉय देख सकते हो क्या कौवा हेड देख सकते हैं, जबरदस्त लग रहा है, और ग्लास में मुझे देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है, तबाही वाला लुक आ रहा है गाइस, मजाक नहीं, ग्लास थोड़ा गंदा है बट फिर भी देख सकते हो यार। गाइस डिकैथलॉन से निकल के आ चुका हूँ इधर, मतलब आज शॉपिंग नहीं किया, ऐसे ही आया था घूमने के लिए,
अच्छा लगा था। दो दिन सीज बात अभी थोड़ा इशू है पेमेंट का, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यूट्यूब में, तो इसलिए पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए सामान भी कुछ नहीं खरीद पा रहा हूँ। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। वीडियो अगर यहाँ तक देखा गाइस, एक लाइक एक कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। सूट कौन आ चुका है, डिगेशन से निकल रहा हूँ और इधर थोड़ा बहुत चिटकॉन खा लिया, थोड़ा बैठा इधर एंजॉय किया, पूरा फाइव्स आ रहा था मजा। सो अभी यहाँ से निकलते, फाइनली अभी डिगेशन से निकल चुका हूँ, थोड़ा बहुत इधर एंजॉय किया, अच्छा लगा। और ये बिल्डिंग देखो ना, क्या तबाही लग रहा है यार, ऊपर हेलीपैड भी है, मजाक नहीं। इधर अभी मारने वाला था हमको, अंकल जी मारो मत हमको अभी टक्कर लग जाता यार। अच्छा रास्ता मिलने से एक बार टॉप स्पीड चेक कर पाता, लेकिन अभी इधर पर गाड़ी आ रहा है और रास्ता भी उबर खबर है, देख सकते हो 54, 55, 57, 59, क्या भाग रहा है गाइस, मजाक नहीं। 60 आ चुका है, 61, 63, 64, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक चला रहा हूँ, पूरा तबाही वाला पिकअप है यार, जबरदस्त। गाड़ी जो है ना गाइस तबाही लग रहा है यार, क्या बताओ आप लोगों, एकदम जबरदस्त। और पिकअप जो है ना बहुत ही अच्छा है, सो अभी जल्दी से जल्दी एक खरीदने के लिए सोच रहा हूँ अभी, इसलिए आज टेस्ट राइड लिया। सो देखते हैं अभी इलेक्ट्रिक बाइक भी शायद आने वाला है, सो होप फॉर द बेस्ट गाइस। और ऐसा लग रहा है कुछ, देख सकते हो ये भाई, बहुत फन किया आज, बहुत मजा आया संधु भाई का बाइक में आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा किया। और गाइस कमेंट में ज़रूर बताना इलेक्ट्रिक बाइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन मुझे तो अभी तक चला के तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा यार, कॉम्पैक्ट सा बाइक है, बहुत मज़ा आया यार। और गाड़ी अभी मतलब लेने का एक प्लानिंग चल रहा है, सो भाई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए तुम्हारे घर से, कैसा लगा इतना दिन, मतलब 5 मंथ हो गया, कैसा लगा बाइक लेके, जबरदस्त ना। पहले अगर भाई जॉब करता था तो पेट्रोल में करीबन 9-10,000 रुपीज़ चला जाता, अभी पर मंथ कितना 500 का यूनिट का मतलब हो जाता है, पैसा जाता है 500 से ही, मतलब हो जाता है। तो कितना रूम का भी होके, सो रूम का भी होके, गाड़ी का भी होके, ओनली 500 रुपीज, मजा आ गया क्या। ये बाइक का ना होल कर्नाटका में वो एक ही मतलब शोरूम है, वो भी कहाँ पे है, कोरमंगला में, और मुंबई में भी एक है, दिल्ली में भी एक है, मजाक नहीं गए, ऐसे नॉर्मल बाइक की तरह नहीं है, एक ही एक स्टेट में एक ही मतलब शोरूम है, ऑनलाइन बुकिंग, और बुकिंग जितना भी करना है सब कुछ ऑनलाइन, उसके बाद 5-6 मंथ वेटिंग के बाद आप लोगों को ये गाड़ी मिलेगा, तो जबरदस्त बाइक है गाइस, रिवॉल्ट, मजाक नहीं। और फाइनली अभी पहुंच चुका हूं इधर रूम, सही है भाई, जो आज का जो दिन था ना गाइस अनएक्सपेक्टेबल था, और बहुत ही ज़्यादा फन किया आज ये हमारा संधू भाई का बाइक में। सो संधू भाई थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए, समझ गया ना। सो कभी और फ्री रहेंगे तो जाएंगे घूमने एक साथ, चल बाय। सो अभी भाई जा रहा है इधर, देख सकते हो क्या लग रहा है तबाही। सो लेट्स गो, अभी ऊपर चलते हैं, बहुत टाइम हो चुका है, बाप रे बाप, अरे ग्राउंड से अभी चला गया यार, अभी और वेट करना पड़ेगा। फाइनली लिफ्ट में आ चुका हूँ और ऊपर जा रहा हूँ रूम तक। सो गाइस ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, बहुत ही जबरदस्त मेरे ख्याल से तो था ब्लॉग। सो आप लोगों को कुछ भी अगर एक भी पार्ट अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, लाइक का एम रखते हैं 3000, अगर हो पाया तो 3000 लाइक कर देना, और कमेंट 500 कमेंट अगर हो पाया तो कर देना, बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे आज का ब्लॉग इधर ही एंड करता हूं, अगर वीडियो अच्छा लगा आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर हिट करना, सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी। চাই দেখি নাপাওঁ যদিও সপোনে তোমাৰ নাম কয়, তোমাৰো আজৰি খুজিব নোৱাৰো, আগৰ কথাবোৰ ভাবি ৰয়, চাৰিওফালে মিছা মাতৰে সুহৰি ধৰিব পৰা নাই জীৱন, নাজানো ৰ'ব যাবলৈ।